भैया वीडियो ना बना रहे वीडियो वीडियो का एक बनाओगे साहब नारियलन की जो लेकर आए आज तो दोस्तों एक स्क्रिप्ट ही छोटी सी कोशिश की थी हम लोगों ने बाकी आज एक वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग और वो भी कोकोनट मिल्क टाइप का कुछ बनाने वाले हैं यहाँ पे क्योंकि एक शॉर्ट्स के अंदर वीडियो देखी थी उसमें क्या होता है कि जो पीने वाला नारियल होता है यानी कि कच्चा नारियल उसके पानी को निकालते हैं। पानी को निकालने के बाद जो उसके अंदर की मलाई होती है उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद उन सभी को मिक्सी में डालकर थोड़ी सी चीनी डाल दी जाती है और उसके बाद उस सभी को मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद उससे मिलता है कोकोनट मिल्क। तो उसी को आज यहाँ पे करके देखेंगे। हमारे पास नारियल है जो कि हम पहले ही ला चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा के पूरा सामान, यहाँ पे एक मिक्सी है जो चलने वाली मिक्सी है और यहाँ पर उसका जग है जिसके अंदर इसको मिक्स किया जाएगा। ये रहा नारियल और यहाँ पे है चीनी। हमें पता नहीं है कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है बनने के बाद टेस्ट करने पे। यहाँ पे एक दूसरा नारियल है और ये हमारे औजार हैं। आप लोग देखकर गलत मत समझना इनको, ये सब्जी काटने वाला ये थोड़ा हैवी है क्योंकि इसका खोल काफी मजबूत होता है तो इसको काटने के लिए हैवी वाला चाहिए था। और एक छोटा वाला भी है, इसे देखते हैं बाद में कोई काम आता है क्योंकि हमारे पास इन चीजों को लेकर परफेक्ट औजार नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम पहली बार इस चीज को ट्राई कर रहे हैं और आज की जो ब्रांड की डिमांड है वो यही कहती है कि इन्हीं सब चीजों से आज ऐसा कुछ करके देखा जाए, फिर उसका टेस्ट देख के आप लोगों को बताया जाए कैसा टेस्ट आता है और कैसा हम उसमें कितना कामयाब हो पाते हैं। नहीं बगैर साहब, तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे पानी निकालने के लिए एक लोटा है, गड़ुआ बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। तो पहले इसको हटाते हैं, इसके जो ऊपर का छिक्कल है। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी मुश्किल से निकला है तो इस वजह से एक ही नारियल का करेंगे हम लोग क्योंकि इसको जो मलाई है इसको निकालने में ना काफी टाइम लग रहा है और मेहनत भी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों चाकुओं से तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब इससे करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे चैनल का नाम है ब्रेन डिमांड और हम किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ते। मैं चलाऊंगा एक बार वो बिखर की दिख है। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से निकला है। तो मलाई को निकालने के लिए सबसे पहले इसको धोते हैं यहाँ पे क्योंकि काफी सारा कूड़ा कचरा इसके साथ आ गया था और हाथ भी गंदे हो गए थे। अब आसानी से निकल जाएगी ये दूसरा वाला, अब ये इसमें आसानी से निकल जाएगी क्योंकि उस टाइम हाथ नहीं चल रहा था इतनी अच्छी तरह से। और इस बार कोशिश करूंगा एक साथ में निकालने की। तो दोस्तों ये एक साथ में निकल गई यहाँ पे, तो दूसरे वाले को लेते हैं। तो ये भी निकल गया, इसको भी डालते हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं काफी देर से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इसकी सबसे ज्यादा वेट है। तो ये कम्प्लीटली हो गया और अब जल्दी से जो इस नारियल का पानी है उसको डालते हैं इसके अंदर। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, इसके साथ थोड़ी सी चीनी पहले ही डाल दूं। शुगर, शुगर बढ़ा दो, डायबिटिक्स बढ़ा दो तुम तो। एक मिनट, इसमें कुछ है, इसमें दोस्तों लूलू लूलू निकाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद थोड़ी सी चीनी डालते हैं, इतनी बहुत है, बहुत रहेगी। लूलू बना दिया आपने, ज्यादा तो नहीं है? नहीं, बस बस बस, ज्यादा हो जाएगा दोस्तों भाई। नहीं तो आधा कप चीनी डाल दी है क्योंकि पहली बार बना रहे हैं और हमें इस चीज का कोई अंदाजा। बघेल साहब मशीन के तार लगाओ। तो दोस्तों साधनों का अभाव होते हुए हम लोगों ने थोड़ा इधर साइड कर लिया मुंह जिससे फेस अच्छी तरह से आ जाए क्योंकि जो साहब का कहना था कि फेस अच्छा नहीं आ रहा। तो अब ये मिक्सी में सब कुछ डाल दिया है, अब इसको चला के देखते हैं। अब ये पता नहीं कौन से बटन से दोस्तों चल गई। तो दोस्तों यहाँ पे बन के रेडी हो गया, एक बार उजाले में आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे। अरे कीड़ा गिर जाएंगे भैया, मजारे मत ले, कुछ नहीं होंगे। ये देखो ये कुछ बना है जो आज हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसको बारी आएगी टेस्ट करने की और टेस्ट करने के लिए सिंपल सा पहले इसको लेते हैं दूसरे बर्तन में। वाह, यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, ये थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले मैं ही करूंगा क्योंकि काफी देर से मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, इतना तो हक बनता है। बगे साहब कम ऑन, कम ऑन, लेट्स डू इट।
इतनी अच्छी तरह से पिसा नहीं है, दर्द आ रहा है बट वैसे स्वाद है। कैसा? कते जहर है, कते जहर। दोस्तों भाई साहब हमको जहर पिलाने की तो दोस्तों ये जहर बता रहे हैं, एक बार मैं देखता हूँ कितना जहर है। कते मस्त मस्त जहर भी दोस्तों मस्त होने लगे हैं आजकल। दोस्तों काफी अच्छा, उम्मीद से हटके स्वाद लग रहा भाई। ये चीज इतनी अच्छी है आप लोगों को बता दूं, बाद में पिलेंगे कोई दिक्कत नहीं। ढक देता हूँ। कैमरामैन को पीना? तो कैमरामैन को पीना, मैं कैमरा ले लेता हूँ। अरे तो कैमरामैन यहाँ पे पीते हुए, तो कैमरामैन कैसा है, कैसा महसूस हो रहा है? तो मैं दूर जाता हूँ। तो एक्चुअली मैं बताऊँ तो काफी एक तरह से ना वेनिला आइसक्रीम वाला स्वाद आ रहा। अब कैमरा दूर भगा लियो। अरे अब बता क्यों माइक है ना। अच्छा अच्छा मैं नू कह रहा एकदम जेनुइन होटल खोल लियो, यूट्यूब चैनल छोड़ो, टपरी लगाओ, टपरी लगाओ। नहीं ये सुझाव आपका गलत है दोस्तों, ये गलत बात है, इनकी बातों को दिल पे मत लेना। हाँ मैं सोच रहा था अच्छा बना है पर इतना अच्छा भी नहीं है। थोड़ी सी और कम कर देना, मतलब कि कुल मिला के थोड़ा और बारीक पीस जाए। बारीक क्यों नहीं पिसा, क्योंकि काफी देर तक मैंने मिक्सी चलाई थी, अब क्यों नहीं पिसा उसके पीछे का रीजन मेरे को नहीं पता। सही बात है। अब ब्रेन डिमांड जो साहब ने कहा है, ब्रेन डिमांड चैनल का नाम है, तो ब्रेन डिमांड का मतलब है जो साहब आज हमारे दिमाग ने कहा कि इस तरह का कोकोनट मिल्क अपने घर पे बना के देखा जाए, क्योंकि YouTube की वीडियो मतलब शॉर्ट्स वीडियो में या रील वगैरह में या Facebook की रील में कई बार इस चीज को देखा है बनते हुए, लेकिन उसको टेस्ट करने का मन हुआ, फोन से टेस्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इसीलिए आज यहाँ पे लाए, लाने के बाद आप लोगों को सभी को पता है कितनी सारी मेहनत की, मेहनत करने के बाद इसका टेस्ट चखा, और जो मेहनत करने के बाद किसी चीज का स्वाद आता ना वो एकदम लाजवाब होता है। नहीं जो साहब सही बात है, बिल्कुल भाई साहब कैसा था? बढ़िया हो गया, मक्खन बिल्कुल मक्खन था, थोड़ा सा मोटा रह गया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से जिस तरह मोटा मोटा, अच्छा मोटा तो ये तो हो ही नहीं रहा है मोटा, वो उसी तरह से होता है जिस तरह से बैचलर्स अपने मतलब कि हॉस्टल में खाना बनाते हैं ना, तो जली पकी रोटी भी उनको बहुत अच्छी लगती है, कच्ची हो या जली हो कैसी हो। तो उसी तरह से ही हमारा चाहे कैसा भी हो हमें बहुत बढ़िया, इससे अच्छी कोई डिश नहीं देखी, इससे अच्छा कोई जूस नहीं पिया, इससे अच्छा कोई दूध नहीं पिया। कोकोनट मिल्क कहते हैं ना जो साहब, ये इसको कोकोनट मिल्क कहा जाता है। तो आज कोकोनट मिल्क बनाया, आप लोगों को कैसा लगा देसी अंदाज में कमेंट सेक्शन में बता देना यार, काफी सारी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।